क्या आप लोग जानते हैं कि थर्ड चैलेंज है क्या? तो पूरी टीम जो है वकार ज़का फाउंडेशन की पीछे नजर आ रही है, जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। फर्रुख इसमें सबसे आगे होते हैं। एक ही गाड़ी थी, इतनी जल्दी कोई और तैयार दोस्त नहीं हो रहा था, तो एक गाड़ी में हम लोगों ने तकरीबन 50-60 फैमिलीज के लिए राशन जमा कर लिया है। फर्रुख भाई के पसीने निकल गए। 6 घंटे तक का मैक्सिमम सफर होगा। 6 घंटे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस दफा हमारे एक नए टीम मेंबर अदील अहमद कुरैशी हमारा साथ देंगे और उनके साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो आइए आपको मिलवाता हूँ मेरे बेस्ट ट्रैवल पार्टनर से, और ये वो साहब हैं जिनकी वजह से दुनिया में मैं सब कुछ हूँ, यानी मेरे वालिद साहब। आप लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सी रात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम बन गई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये वादा लिया कि आइंदा तुम कोई सेक्सुअल कॉन्टेंट, कोई सेक्सुअल अवेयरनेस के चक्कर में कोई वीडियो पोस्ट नहीं करोगे, क्योंकि किसी हराम इंसान ने मेरे वालिद साहब को मेरे स्नैपचैट की रिकॉर्डिंग्स लाकर दिखा दी है। तो आज से मुझे वो लोग फॉलो ना करें जो मेरे सेक्सुअल कॉन्टेंट की वजह से मुझे देखते थे, क्योंकि आज के बाद और फर्रुख ये बता रहा है कि भाई अपना कैमरा उठा लो, जगह मुनासिब नहीं है, लेने के देने पड़ जाएंगे। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये फुटेज उस टॉक टाइम की नहीं है जो मेरे वाले साहब और मेरे दरमियान हुई, क्योंकि हर वक्त तो मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग पे नहीं होता। और यूँ हमारा सफ़र थर के लोगों की मदद करने के लिए शुरू हुआ। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता थर में ऐसा क्या हो रहा है, तो यकीनी तौर पर आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और ऐसे ही बेखबर पाकिस्तानियों की बददुआ की वजह से देखें हमारे साथ क्या हुआ। अंकल अदील भाई, बाल बाल बच गए, लेकिन ये छोटा जैक क्यों यूज किया जा रहा था? अब मसला ये आ रहा है कि राशन का सामान जहाँ पड़ा है सारा का सारा, वहाँ पर जैक और वहाँ पर सब कुछ है। चले, मैंने यहीं लगा दिया। 5 घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ फर्रुख की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि बगैर गाड़ी के टूल्स निकाले हमने टायर को चेंज कर लिया, और इसके बाद हम उस जगह की तरफ रवा दवा हो गए जहाँ जाके मुझे दिखाना है कि थर्ड चैलेंज है क्या। लेकिन थर्ड चैलेंज दिखाने से पहले मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और उनमें से बहुत सारे आपके बहुत सच्चे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन यकीन माने माँ बाप के साथ ट्रैवल करने का जो सुकून है वो दुनिया में किसी और के साथ नहीं आ सकता। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं कुछ लोगों को ये कहते देखता हूँ, हमें अपने माँ बाप के साथ नहीं दोस्तों के साथ मज़ा आता है। और कुछ तो लोग ऐसे बदबख्त हैं कि अपने माँ बाप के मुँह पर ही ये कह देते हैं कि यार मुझे आप लोगों के साथ वो मज़ा नहीं आ रहा। और कुछ लोग तो इतने बदबख्त होते हैं कि अपने माँ बाप के मुँह पर ही कह देते हैं आपको नहीं समझ आएगी, आप नहीं समझ सकते हमें। ऐसे सोचने वाले लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये वही माँ बाप हैं जब बचपन में आपको कुछ नहीं दुनिया का पता था तो हर जगह साथ लेकर जाते थे, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट छोड़ के सब कुछ अपना आप पर लगा दिया, और आज आप उन्हें कहते हैं आपके साथ मज़ा नहीं आएगा, मुझे अपने दोस्तों में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान आप बनने वाले हैं। तो जैसे ये ब्लॉग ख़त्म हो और आपको थर्ड चैलेंज समझ आ जाए, फौरन माँ बाप के पास जाके नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लो। थर्ड चैलेंज दिखाने के लिए कराची से 480 किलोमीटर दूर थरपारकर के इलाके नंग पारकर में हम लोग पहुंचे। पहले नमाज अदा की। अब मैं जानता हूँ इसको देख के काफी सारे लोग कहेंगे कि ड्रामेबाजी हो रही है, लेकिन मैंने अपने वाले साहब से वादा कर लिया कि मैं ऑन स्क्रीन किसी किस्म की कोई गंदी बातें नहीं करूंगा और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। तो अब से वकार ज़का के कंटेंट में आपको एक बड़ी तब्दीली नजर आने का इम्कान है। मैं जानता हूं कि हर पाकिस्तानी थर के लोगों की मदद के लिए आना तो चाहता है, लेकिन सवाल उसका ये होता है कि वो रुकेगा कहाँ। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये शाहकार जिसका नाम है रूप लोक कोली। लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ आते हुए थर के लोगों की इमदाद के लिए जितना सामान ला सकते हैं वो लाएं। थर चैलेंज पे पहुँचने से पहले कुछ खास लोगों को हमने डोनेशन दी। फर्रुख ये तुम छोड़ कर आओ, अम्मा बुजुर्ग है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी हिंदू बस्तियाँ भी हैं, तो हरगिज़ हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की मदद की जाए, इंसानियत सबसे पहले है, इसलिए यहाँ पर जहाँ कोई हिंदू भी नज़र आ रहा है तो हम जाकर उसकी ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़रा सा भी ये ख्याल ना आए कि कोई मुसलमान आया था तो उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मदद कर दी। अच्छा, इनको शुरू में ये लग रहा था शायद हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान जो है हिंदुओं की मदद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हमने जितनी हो सकेगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी होने की वजह से जो मदद हो सकेगी ना आप हमें बताओ। अभी मेरी टीम जो बाकी लोग हैं ना उनको आप बताओगे आपको क्या क्या मसला है, हम कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो चले चलते हैं अपने थर्ड चैलेंज की तरफ। पीछे डैम तो हुकूमत ने बनाया हुआ है, अब बारिश नहीं हो रही तो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो तो यहाँ आके बारिश नहीं कराएंगे, लेकिन फैसिलिटीज देना तो उनका काम बिल्कुल है। और यही फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से इनके घरों की हालत देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर पॉलिटिशियन से
पीपल्स पार्टी को बहुत दफ़ा ये कहा जाता है यार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कर पा रहे। अच्छा भाई, इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे। मैं कह रहा हूँ इनसे सिर्फ एक डिमांड करें, एक रात यहाँ आके गुजारें, लग पता जाएगा। या अपने बच्चे भेजो यहाँ पर और उनको बोलो चलो यार एक रात रह लो, क्योंकि कल को उनको भी तो इनसे वोट मांगने आना है। तो वोट आप क्यों मांगते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं तो ज़रा इनकी तकलीफ़ समझने के लिए आओ तो सही। आप रिक्वेस्ट करें इनसे कि अपने बच्चों को एक रात के लिए यहाँ रखें और रहकर दिखाएं। हमारा लाया हुआ इमदाद का सामान और साफ पानी एक दो दिन के लिए तो इनके मसले शायद हल कर दे। और यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि बच्चों की खुराक तो दूर की बात, यहाँ पानी के मसाइल से कितने बड़े मसले हो रहे हैं। और इसी की मिसाल दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात करवाऊँ खुदा बख्श से। नहीं, वो फौत हो गया, इंतकाल हो गया। इसके बच्चों की मरने की वजह देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने वोट किसको दिया था? पीपल्स पार्टी। कौन, बिलावल भुट्टो आया था या कौन आया था? बिलावल भुट्टो दिया था। तो क्या बात आपको उनकी सुन के अच्छा लगा कि यार ये कुछ कर सकता है? वो कुछ करता है, वो ये पानी का मसला हल करने के लिए क्या था। अच्छा खुदा बख्श, यहाँ पर जो पानी अभी मिलता है जी हाँ, वो कहाँ पर है जरा दिखाओ मुझे। ऊपर है, इस अंदर डैम अंदर है। ये हुकूमत ने दिया हुआ है कि भाई पानी यहाँ से पिया करो। आइए देखते हैं पानी है कैसा। लेकिन ये जो कचरा इसमें नजर आ रहा है इस वक्त, ये आप साफ तो कर लेते होगे ना? साफ तो कर लेते हैं, बड़ा जो कचरा है वो साफ कर लेते हैं, ये छोटा जो कीड़ियाँ है वो कैसे साफ। तो ये क्यों पीते हो फिर आप? हमारी मजबूरी है, दूसरा पानी नहीं हमारे पास। बकार भाई, दो दिन ये खुराक नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, ये पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो कभी आइस बकेट चैलेंज तो कभी की चैलेंज। आज मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पॉलिटिशियन आपको पसंद है, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से है, एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से है, तुम सबको चैलेंज किया जाता है थर के इस इलाके में आके इसका एक गिलास पानी पी कर दिखाओ। वैसे हमारे मुल्क में गुड कॉज के लिए आइस बकेट या ऐसे चैलेंज और कौन करता रहा है? ALS आइस बकेट चैलेंज, आई लाइक टू नॉमिनेट कासिम गिलानी, वसीम अकरम एंड शबाना तासीर। इट्स फॉर अ गुड कॉज, सो अ लिटिल बिट ऑफ लास्ट बट फॉर अ गुड कॉज, एंड आई विल बी डोनेटिंग आफ्टर आई डू दिस। Thank you, Asma Dharani, for nominating me for the ALS Ice Bucket Challenge. I nominate Asifa Bhutto Zardari, Shanira Akram, and Shariat Tasir. Let's do this. इससे ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान में आज भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो गुड कॉज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आप तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में से किस पॉलिटिशियन को इसके लिए नॉमिनेट करते हैं जिसका नाम है थर चैलेंज। वकार जका, कैमरा खुद पकड़े हुए, थर पार्कर।